श्वेत काल बन गया उनका कलिंग युग। रणवीर सिंह की एक नई फिल्म को लेकर हुई बड़ी अनाउंसमेंट। राक्षस में आएंगे नजर, फिल्म में होगा नेगेटिव किरदार, जाने कब होगी रिलीज। साल 2024 रणवीर सिंह के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। वो लगातार कई फिल्में साइन कर रहे हैं। अभिनेता के पास पहले से ही निर्देशक फरहान अख्तर की बहुप्रतीक्षित फिल्म डॉन 3 है। इसके अलावा रणवीर के पास निर्देशक शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की मेगा बजट फिल्म सिंघम अगेन भी है। अब एक और फिल्म रणवीर सिंह ने साइन कर ली है। रणवीर अपने निर्देशक प्रशांत वर्मा की फिल्म राक्षस में नजर आएंगे। रणवीर अपनी फिल्मों के अपडेट को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर सिंह जल्द ही साउथ की फिल्मों में नजर आ सकते हैं। इसके लिए रणवीर ने पिछले साल रिलीज हुई फिल्म हनुमान के निर्देशक प्रशांत वर्मा से हाथ मिला लिया है। उनकी ये फिल्म काफी सुपर डुपर हिट हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत अभिनेता के काम को काफी पसंद करते हैं। फिल्म राक्षस को लेकर प्रशांत और रणवीर लगातार मुलाकात कर रहे थे। मीटिंग के दौरान प्रशांत ने रणवीर को फिल्म की कहानी सुनाई और वो उन्हें बेहद ही पसंद भी आई। रणवीर ने प्रशांत के साथ डील फाइनल कर दी है। फिलहाल इस फिल्म का नाम राक्षस रखा गया है। फिल्म राक्षस में रणवीर के अलावा किसी स्टार को अप्रोच नहीं किया गया है। फिलहाल ये फिल्म कब रिलीज होगी इस बात से भी पर्दा नहीं उठाया गया है। राक्षस को स्वतंत्रता पूर्व युग की पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित एक पीरियड फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म में रणवीर का किरदार नेगेटिव हो सकता है। आखिरी बार रणवीर को फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट को जोड़ी को फैंस ने बहुत ही पसंद किया था। इस फिल्म के अलावा रणवीर निर्देशक आदित्य धर की अनाम फिल्म में भी नजर आएंगे। फिलहाल इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। बहरहाल रणवीर सिंह निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में नजर आएंगे। साथ ही रणवीर निर्देशक फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 की शूटिंग जल्द ही शुरू करेंगे।